माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. माननीय भगतसिंग कोश्यारी, राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अभिजिता पवार, माननीय शरदचंद्रजी पवार आणि सर्व मान्यवर या ठिकाणी आहेत. अत्यंत शोकाकुल वातावरणामध्ये आपण या ठिकाणी दिलेला आदरांजली वाहण्यासाठी या ठिकाणी शिवतीर्थावर या ठिकाणी जमलो आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी या ठिकाणी आदरांजली वाहण्यासाठी या ठिकाणी आहे आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये या शिवतीर्थावर मावळत्या तो सूर्याच्या साक्षीने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांच्या पार्थिवाला पुष्पचक्र अमर रहे लता दीदी अमर रहे लता दीदी भारताचे माननीय पंतप्रधान देवेंद्र फडणवीस पुष्प चक्र बीजेपी आदित्य ठाकरे ऑल हु हैड गॉन टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर इज पेइंग हिज लास्ट रिस्पेक्ट टू लता मंगेशकर यू नो ऑफरिंग कंडोलेंसेस लता मंगेशकर सर साइड सर 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 प्लीज सर 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 सिंघम ओ सर सिंघम और भगवान जो कि व्यापी देश के प्रधानमंत्री का यहाँ पर
रहना जाना और मुख्यमंत्री का इस जगह पर रहना जरूरी होती है। एक दौर याद होता है जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गाना गाया था मेरे वतन के लोगों हर किसी की आंखें उन्मुक्त नजर हो गई थी, खुद देश के प्रधानमंत्री स्वप्न के उनकी आंखें हम उनके हो पड़े थे। आज जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए हैं तो कहीं कहीं उनकी आंखें भी नम हुई और जरूर इस बात पर कुछ भावुक है। सबको पता है मोदी जी हर उन जगहों पर जब जाते हैं भावुक हो जाते हैं और इसी वजह से मैं देख रहा था बच्चों परिवार के हर एक सदस्य को लगातार जब वो खिल रहे थे उनको आदर से बता रहे थे, उनका पूरा परिवार लगातार इस बात पर भी एक दूसरे को बता रहे थे। कि बिल्कुल बिल्कुल हम लोग राजा से लोना काट रहे थे शाहरुख अरे भाई शाहरुख का गाड़ा दिया है पकड़ भाई क्या बोल रहे हो यार पीछे ले बैठा मत तो यार विविध सैन्य दलाच्या कृती असंख्य संगीत प्रेमी फोनच बंद पडला रे माझा सिक्रेट
सर। महादेवन गौरी नहीं रही आता फोटो अग्नि कुछ अरे इकड़े दिस राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,
अन्य सर्व मंत्री है, पर्यटन मंत्री माननीय आदित्य ठाकरे, राज्य से माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कला क्षेत्र की क्रीड़ा क्षेत्र की आदित्य गर्ज, अन्य अनेक मान्यवर माननीय सचिन जी पवार, माननीय राजसर ठाकरे, अनेक मान्यवर यात्रा दीदी नगर बेटा, ये मेरे प्रेम में ना जावेद अख्तर आ रही है ना, वहाँ से हमने भेजा, उसके पहले का कुछ नहीं देखना सब हमने भेजा, उसके बाद से पूरा, उसके बाद से विशाल ओ साहेब ओ कमांडर क्या ना देखते हैं अभी मैंने इंस्टाग्राम लाइव करती थी यार तू बार एक मिनट ऐसे ही हो यार तू ही एक ही देखते हो अभी ना अरे राज ठाकरे राज ठाकरे वन टू वन इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग सो सो रास स्टेज पे आमिर I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this.
राज्य से माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख खान सही कहा, अपने पत्नी के साथ गौरी खान के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए एक लंबी लाइन, यही आपने कि तमाम जो बड़े बड़े फिल्म सितारे हैं नौरा पौडवाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मौजूद रही और जावेद अख्तर साहब बताया मौजूद रही, इसी में बड़े बड़े और भी तमाम लोग सितारे जो हैं वह खासतौर से घर पर आप देखिए कि इस वक्त शाहरुख खान उनके पूरे परिवार से मिल रहे हैं। शाहरुख खान अब देखिए कि उन्होंने अब मास्क निकाला है, सुप्रिया सुले सरस्वत से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद वह उनके परिवार से भी मिल रहे हैं। तो और कुछ लोग जो घर पे नहीं आ पाए थे वह यहाँ पर आकर उन्हें अंतिम दर्शन में यहाँ पर सहभाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो यह साफ है, सही कहा आपने कि जो भी तमाम फिल्म सितारे हैं, खासकर अगर अमिताभ बच्चन की बात करें, बिग बी के नाम जाते हैं, वह भी घर पर जाकर उन्होंने उन्हें उनका अंतिम दर्शन लिया। बहुत लोग चूंकि यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो वह लोग घर पर ही गए थे। अभी भी देखिए लंबी एक लाइन लगी है लोगों को अंतिम दर्शन करने के लिए, उन्हें पुष्पमाला जो अर्पित करते हैं तथा सुमन अर्पित करते हैं फूलों से, वह अर्पित करने के लिए लोगों की ये लंबी कतार लगी हुई है। मैं कहूँ अगर जो ये तो वीवीआईपीज हैं, अगर छोड़ दिया जाए, आम पब्लिक को आने दिया जाए तो आप समझिए कि कई दिन लग जाएंगे शायद, कि हर कोई चाहेगा कि एक बार जाके उनके पैर छू लें अंतिम बार, ताकि हमेशा अब कभी आगे उनको बिल्कुल सरस्वती ने देखिए शायद उस घड़ी का हर किसी को इंतजार नहीं होता है, कोई चाहता कि घड़ी ना आवे, लेकिन उस तस्वीरों को लोग देखना चाहेंगे। इस वक्त जो अंतिम तस्वीरें अभी इस वक्त है, अंतिम तस्वीर आप देखिए कि लता मंगेशकर के जो अंतिम दर्शक रखा गया था, अब उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवानों ने अपने उठा लिया है कंधों पर, उठाकर अब चिता पर लाया जाएगा। जो चिता बनाई गई है खासतौर से शिवाजी पार्क में, इस चिता पर उनके पार्थिव शरीर को लटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी हम कहें अब किसी भी वक्त उन्हें मुकाबले दी जाएगी, जैसा कि मैंने बताया जिंदरनाथ मंगेशकर लता मंगेशकर के जो भाई है उनके द्वारा उन्हें मुकाबले दी जाएगी। जो यहाँ पूजा पाठ हुई है उसके पहले वह आदिनाथ ने ही पूजा पाठ संपन्न करवाई है, यानी आदिनाथ की तरफ से उनकी मुकाबले दी जाएगी। जो परिवार के लिए लगातार जीती रही, लगातार उनके संघर्ष करती रही, वही परिवार आज यहाँ पर उनके साथ खड़ा है। देखिए किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वह अपने कंधों पर लता दीदी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपटा हुआ, देखिए लगातार उनके पूरे पार्थिव शरीर में लपटा हुआ है और तिरंगे लपटा हुआ पार्थिव शरीर को इस वक्त चिता पर लिटाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और अब देखिए यह एक एक क्षण, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ कि शायद यह क्षण हर कोई चाहता है उसे जिंदगी में ना आए, लेकिन सच्चाई यही है जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, और लता दीदी का वह दिन आज आया और आज उन्हें जाना पड़ा। लेकिन जब तक वह रही वो उन्होंने अपनी इस आवाज से इतनी छटा बिखेरी, परिवार जुड़ा हुआ है।
दूसरी सांस ले करीब 22 दिन तक जब हम अंबेडकर मुंबई के हेड कैंप के अस्पताल में थी और आज सुबह 8:12 बजे यहाँ पर पूरे राजू मेरी आवाज अगर आ रही है आपको देखिए किस वायुसेना जल सेना 19 राइफलों के साथ अब इस वक्त के द्वारा साथ ही मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अब देखिए यह है कि और उन्हें सलामी देने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आर्मी के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर सभी के लोग यहाँ पर उनकी मौजूदगी में इस तरीके की प्रक्रिया है और अभी भी उनका जो शरीर है वो तिरंगा में लपेटा हुआ है। जैसे ही यह सलामी दी जाएगी उसके बाद उस तिरंगा उनके शरीर से निकाला जाएगा, उनके परिवार को तिरंगा सौंप दिया जाएगा और उनके परिवार ने जैसे बताया कि हृदयनाथ मंगेशकर के जो भाई हैं, हृदयनाथ मंगेशकर के जो बेटे हैं आदिनाथ, वह यहाँ मुखाग्नि देंगे और उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। और यह चीज़ें बहुत एक जो तस्वीरें हैं यह गमगीन करने वाली हैं, बहुत देने वाली हैं कि चाहते हैं लोग कि शायद यह तस्वीर हर किसी को जैसा ना देखना पड़े, लेकिन हर किसी के जीवन में दिन आना है। लता दीदी 92 साल की उम्र में आखिरकार हम सभी को छोड़ कर चले गई। 28 दिनों तक वो लगातार भैया मोबाइल भैया अंदर कर दो कुछ खाली के जरा मोबाइल और ये वो तस्वीरें जो कि इस एक एरा को इस एक इतिहास को यहाँ पर संबंध कर रहा है। फिलहाल हर कोई अक्टूबर का दायरा नहीं यहाँ पर इंडस्ट्री से कलात्मक जो कला के क्षेत्र होते हैं वो सब तिरंगा उनके शरीर पर नाम हटा कर आगे ले जाया गया। तिरंगे को हाथ से लगा कर उसे सत्कार कर सफर का अंत जी बड़ी हस्ती को जिस तरीके से
कह सकते हैं कि अपने चरण पर बजता हुआ और मेरी आंखें नम यहाँ पहले शाम का अंधेरा हो लेकिन चला थामू नका परत।